दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह म्यूजिक लवर हैं, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक के बीट पर झूमना पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको एंड्रॉयड के टॉप 5 म्यूजिक प्लेयर के बारे में बताऊंगा, जो आपके म्यूजिक सुनने के एक्सपीरियंस को दुगना कर देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं cybersaurx। तो इन पांचों ऐप्स को मैं 5 पॉइंट्स पर चेक करूंगा। पहला लुक, दूसरा ऑडियो क्वालिटी, तीसरा इक्वलाइजर, चौथा फाइल्स एंड फोल्डर और पांचवा विजुलाइजर। इन पांचों पॉइंट्स पर मैं ऐप्स को चेक करूंगा। और आप अभी कौन सा म्यूजिक प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहला ऐप जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस ऐप का नाम है पावर AMP। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पर 15 दिन के लिए ट्रायल वर्जन में उपलब्ध है। उसके बाद आपको इस ऐप को खरीदना पड़ेगा। पर वीडियो के लास्ट में आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस ऐप को फ्री में पूरा जेन्युइन तरीके से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक के बारे में। आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी औसम है, बहुत अच्छा लुक है। आप इस लुक को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर आपको लुक एंड फील में जाकर आप बस इसके लुक को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्किन के, तो आप प्ले स्टोर में जाकर आप पावर AMP स्किन सर्च करने पर आपको बहुत डिफरेंट टाइप के स्किन आपको मिल जाएगा, जिससे अपने लुक को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दूसरा आता है इसका ऑडियो क्वालिटी। इसका ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का ऑडियो क्वालिटी इसमें आपको मिल जाएगा। आप हर एक बीट को परफेक्टली सुन पाइएगा इस ऐप में। तो तीसरा आता है इसका इक्वलाइजर। इसमें आपको 10 बैंड का इक्वलाइजर मिल जाएगा, जो काफ़ी कम ऐप में मौजूद मिलता है। इसमें 10 बैंड का इक्वलाइजर, इसका बेस भी बहुत बढ़िया है, ट्रेबल भी। और इसमें आपको साउंड स्पीड कंट्रोल, स्टूडियो इफेक्ट, लेफ्ट राइट बैलेंस, वॉल्यूम और 3D साउंड इफेक्ट में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो अब बात करते हैं इसके फाइल एंड फोल्डर। तो फाइल एंड फोल्डर को इसमें बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अपना ऑल सॉन्ग, रिसेंट प्लेड। और इसमें आपको लिस्ट ऑप्शन में जाकर इसको आप अपने तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पांचवा और सबसे आखिरी ऑप्शन आता है इसका विजुलाइजर। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा विजुलाइजर है, तो म्यूजिक के बीट पर काफ़ी अच्छा मैच करता है। विजुलाइजर को आपको ऑन करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है और विजुलाइजेशन में जाकर इस सेटिंग को ऑफ कर देना है, और इस सेटिंग को ऑफ करके पावर AMP प्रेजेंट को ऑन कर देना है। इससे आपका विजुलाइजर ऑन हो जाएगा, जो म्यूजिक के बीट पर काफ़ी अच्छा मैच करेगा, जो आपको कभी भी बोर होना नहीं देगा। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और बताइए कि ये ऐप आपको कैसा लगता है। दोस्तों, सेकंड नंबर में जो ऐप है, उस ऐप का नाम है PI म्यूजिक प्लेयर। आप इस म्यूजिक प्लेयर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेड और फ्री दोनों में उपलब्ध है। पेड वर्जन में आपको एड शो नहीं होगा और फ्री वर्जन में आपको नीचे यहाँ एड शो होगा। तो बात करते हैं इसके लुक के, तो आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी सिंपल है। आप जो लोग सिंपल पसंद करते हैं, वो इस ऐप को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पसंद करेंगे। तो आप इस थीम्स को सिंपली जाकर सेटिंग्स में जाकर थीम्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको इनबिल्ट 4 तरह का थीम्स मिल जाएगा, जो इस तरह से है। आप इस थीम्स को चेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब इसके ऑडियो क्वालिटी की। तो इसका ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, तो आप मैं सुना नहीं सकता कि आपको इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है, पर आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस ऐप का ऑडियो क्वालिटी कैसा लगता है। तो बात करते हैं अब इसके इक्वलाइजर के। तो आप इक्वलाइजर को सेटिंग में जाकर इक्वलाइजर को सेट चेक कर सकते हैं। इसमें आपको 5 बैंड का सिस्टम जो है इक्वलाइजर मिल जाएगा, जो बास बूस्टर के साथ है, जो काफ़ी बढ़िया इक्वलाइजर है। और अब बात करते हैं इसके फाइल्स एंड फोल्डर के। तो आपको ओपन होते हैं इसमें फाइल्स एंड फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो ट्रैक, एल्बम, आर्टिस्ट, प्लेलिस्ट, फोल्डर, सब तरह का इसमें आपको अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और बात करते हैं विजुलाइजर को, तो आपको किसी तरह का इसमें कोई विजुलाइजर नहीं मिलता है। वह इसमें कोई खास फीचर है जो आपको पसंद आएगा, जैसे कि स्क्रीनशॉट। या आपको पर इनबिल्ट स्क्रीनशॉट का बटन मिल जाएगा, जिससे आप अपने प्लेयर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला जो खास फीचर है वो ये है कि आप इसमें आपको रिंगटोन सेट कर सकते हैं। आपको सिंपली किसी भी सॉन्ग को सिलेक्ट करना है और आप उस सॉन्ग को कट करके उसका रिंगटोन सेट कर सकते हैं। ये इस ऐप का सबसे बढ़िया फीचर है। तो आपको ये ऐप कैसा लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, थर्ड नंबर में जो ऐप है, उस ऐप का नाम है ब्लैक म्यूजिक प्लेयर। आप इस म्यूजिक प्लेयर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री और पेड वर्जन दोनों में है। फ्री वर्जन में आपको ऐड मिलेंगे और पेड वर्जन में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और 0 एड्स मिलेंगे। तो बात करते हैं सिंपली इसके लुक के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी ब्लैक है और काफ़ी बढ़िया है। आप सेटिंग्स में जाकर इसके लुक को चेंज कर सकते हैं।
सिंपली आपको सेटिंग में जाना है और आपको उसमें लुक स्टाइलिश में जाकर आपके सेटिंग जो लुक को चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके फ्रंट को भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग 3-4 फ्रंट है, इसमें आपको आपको फ्रंट को आप चेंज कर सकते हैं। अगला है इसका ट्रांजेक्शन, इसमें आप ट्रांजेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल फीचर है इस ऐप का। और इसमें कुछ फीचर जो है जो आपको सिर्फ आपकी इसके प्रो वर्जन में मिलेगा। तो अगला बात करते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी का, तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और बताइए कि आपको इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा लगता है। तो अगला फीचर आते हैं इसका इक्वलाइजर, तो बात करते हैं इसका इक्वलाइजर के, तो इसमें आपको 5 बैंड का इक्वलाइजर मिल जाएगा, जो तो काफ़ी बढ़िया इक्वलाइजर है, 5 बैंड का इक्वलाइजर है, उसमें प्री लोडेड कस्टम कुछ प्री सेटेड है इक्वलाइजर। और अगला जो है साउंड इफेक्ट, इसमें आपको बास बूस्टर और विजुलाइजर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। 3D इफेक्ट में आपको मीडियम लार्ज जूम का इफेक्ट मिल जाएगा, इसमें आप वॉल्यूम कंट्रोल लेफ्ट राइट कंट्रोल, इसमें आपको एक साउंड एम्पलीफायर मिल जाएगा जो आपके साउंड को एम्पलीफाई कर देगा, पर ये आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, तो इस ऑप्शन को आप समझ कर ही चूज़ करें। तो अगला ऑप्शन आता है इसका फाइल एंड फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप देख सकते हैं इसका फाइल एंड फोल्डर बहुत अच्छा तरह से ऑर्गेनाइज है, ट्रैक्स आर्टिस्ट एल्बम्स बहुत तरह का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया सिंपली आप किसी भी सॉन्ग को यहाँ से खोज सकते हैं। और चौथा आता है विजुलाइजर, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई विजुलाइजर नहीं मिलता है, तो ये 5वां फीचर, इसमें किसी तरह का कोई विजुलाइजर नहीं है। तो ये आपको ऐप कैसा लगा डाउनलोड कीजिए और हमको बताइए कमेंट में कि आपको ये ऐप कैसा लगता है। दोस्तों चौथे नंबर का जो म्यूजिक प्लेयर है, उस म्यूजिक प्लेयर का नाम है जेट म्यूजिक प्लेयर। आप इस म्यूजिक प्लेयर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, कि फ्री और पेड वर्जन दोनों में अवेलेबल है। सिंपली बात करते हैं इसके लुक को, तो आप देख सकते हैं इसका सिंपल सादा लुक है, आप कुछ लुक को सिंपल सेटिंग में जाकर उसको लुक को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो अगला बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। आप इसे आपको डाउनलोड कीजिए और बताइए कि आपको साउंड क्वालिटी कैसा लगता है। और अगला बात करते हैं इसका इक्वलाइजर, तो आपको सिंपली सेटिंग में जाकर आपको चेक करना है कि इसका इक्वलाइजर आपको कैसा लगता है। साउंड इफेक्ट में जाना है, इसमें आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, पर ये साउंड इफेक्ट आपको बाय करना पड़ेगा, प्रो वर्जन में आपको मिलेगा, और इसका इक्वलाइजर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लुकिंग का इक्वलाइजर और बहुत क्वालिटी का इक्वलाइजर मिल जाएगा, इसमें आपको बास जिसका और वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगला बात करते हैं इसका फाइल और फोल्डर का ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फाइल और फोल्डर का कोई खासा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिंपल साधारण ऑर्गेनाइजेशन है। 5वां है विजुलाइजर, आपको इसमें किसी तरह का कोई विजुलाइजर नहीं मिलेगा, पर एक फीचर है जो इस कमी को थोड़ा मोड़ा पूरा करता है। प्रेफरेंस में जाना है आपको, माइक में जाकर आपको एक शेकिंग फीचर मिलेगा, जिससे आप अपने मोबाइल को हिलाकर सॉन्ग को चेंज कर सकते हैं। आप इसे फोन डाउनलोड कीजिए और बताइए कि आपको यह कैसा लगता है। दोस्तों 5वां और आखिरी नंबर का जो ऐप है, उस ऐप का नाम है VLC मीडिया प्लेयर। आप इस प्लेयर को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो सिंपली बात करते हैं इसके लुक का, तो आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी सिंपल सादा लुक है। आप इस लुक को सिंपली सेटिंग में जाकर थोड़ा मोड़ा इस लुक को चेंज कर सकते हैं। प्रीफ्रेंस में जाना है और इंटरफेस में जाकर आप इसके लुक को थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद करते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी का, तो इसका ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। आप जानते होंगे कि VLC ऑडियो क्वालिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया माना जाता है, तो आप डाउनलोड कीजिए, उसका बताइए आपको इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा लगता है। अगला आता है इसका इक्वलाइजर, तो इक्वलाइजर के बारे में देखा जाए तो ये 10 बैंड का इसमें इक्वलाइजर मिल जाएगा, तो काफ़ी कम ही ऐप में आपको आपने देखा कि 10 बैंड का इक्वलाइजर है, जो कि एक इस ऐप के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। अगला आता है इसका फाइल और फोल्डर का ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फाइल और फोल्डर का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिंपल है, सिंपली आपको स्वाइप करके आपके फाइल और फोल्डर के ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं। तो 5वां आता है विजुलाइजर, तो आपको इसमें किसी भी तरह का कोई विजुलाइजर नहीं मिलता है, पर ये इसका एक खास बात यह है कि आप एक वीडियो ऑडियो प्लेयर होने के साथ साथ एक वीडियो प्लेयर भी है, जो इस प्लस पॉइंट है। दोस्तों अगर ऐप्स को आपको फ्री में खरीदना है, तो गोल ओपिनियन रिवॉर्ड आपको डाउनलोड करना है और अच्छे तरीके से रजिस्टर करना है, और हर मंथ आपको कुछ ना कोई सर्वे आएगा, हर वीक कोई ना कोई सर्वे आएगा, उस सर्वे को अच्छे से आंसर देना है, उस आंसर के बदले आपको क्या पैसा मिलेगा, जिसका यूज़ आप प्ले स्टोर में ऐप खरीदने के रूप में कर सकते हैं। मैंने अब तक लगभग आप देख सकते हैं मैंने अब तक 628 रुपया अर्न किया है इस ऐप की मदद से। आप इस ऐप का यूज़ पैसे का यूज़ प्ले स्टोर में किसी भी ऐप को खरीदने से कर सकते हैं, यही एक जेन्युइन तरीका है जिसे आप फ्री में किसी भी ऐप को खरीद सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। We'll be right back.